अरे अरे वाह वाह वाह। और जनता कैसे आप लोग? तो इस बार अपन ना जा रहे हैं कोई पहाड़ों पे और ना ही कोई बीच पे, इस बार अपन जा रहे हैं अमृतसर। और इस बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो उनसे भी मिलवाता हूँ। तो मैं ऑलरेडी ट्रेन में बोर्ड कर चुका हूँ और मैंने बहुत ही मुश्किल से एक इटिनरी बनाई है अपने इस वीकेंड ट्रिप के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और मैं मिलाता हूँ अपनी फैमिली से भी। ये है मेरे फेवरेट कपल, मेरे मम्मी पापा। ये है मेरे भैया जो बन चुके हैं इनके सैया। ये है मेरी बहना जो सुनती है सिर्फ इनका कहना। और ये है दोनों मेरे क्यूट सी बट नटखट भांजियाँ। तो अब जर्नी पे वापस आते हैं। तो हमारी ट्रेन टाइम पे ही खुल गई थी और हमने अपना ब्रेकफास्ट और लंच ट्रेन में ही किया और फिर नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए अमृतसर। तो हम पहुंच चुके हैं अमृतसर। 1:50 हो रहा है, ट्रेन थोड़ी लेट है 20 मिनट, बट हमने आधे घंटे का बफर लिया था तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं है। अब चलते हैं, मिलते हैं होटल पे। तो 2:30 बज रहे हैं और हम फाइनली अपने होटल पहुंच चुके हैं और काफ़ी सही होटल, जितना हमने पिक्चर्स में देखा था उससे काफ़ी बेटर लग रहा है यहाँ पे होटल देखने में। और ज़्यादा दूर नहीं था हमारे लोकेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से 700 मीटर ही था, तो हमने एक ऑटो किया था और इजीली सब लोग आ गए। अभी यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, फिर चलेंगे लंच के लिए एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं सबसे पहले गोविंदगढ़ फोर्ट। तो मिलते हैं, चलो बाय बाय। तो हमने कर लिया है लंच और लंच भी हमने इतना बढ़िया जगह पे किया। अगर आपको घर का खाना खाना है, एकदम फ्रेश खाना बना हुआ, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ये जगह ज़रूर जाएं, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही बढ़िया था, टेस्टी था। आप सुने ये रिव्यू मेरे फैमिली मेम्बर्स से। हाँ, तो खाना कैसे लगा? खाना बहुत टेस्टी लगा, एक बिल्कुल घर जैसा लगा, खा के मज़ा आ गया। यहाँ का एक चीज बहुत टेस्टी था, दाल से लेके सब्जी ले, चटनी रोटी सब बहुत अच्छा था, रोटी भी बहुत सॉफ्ट था जैसा, चाय भी बहुत यमी था, लस्सी तो मजा आ गया, लस्सी तो एकदम बिल्कुल घर जैसा है, सब कुछ टोटली घर जैसा है, बिल्कुल घर वाला फीलिंग। चाय के बारे में क्या बताएंगे? चाय के बारे में बताएंगे पापा। बहुत बढ़िया चाय था, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, खाना बहुत टेस्टी था और मुझे सबसे अच्छा आलू का पराठा लगा, बहुत यम था, मजा आ गया खाते। थैंक यू। तो लंच करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी गोविंदगढ़ फोर्ट और यहाँ पे अभी देखते हैं कुछ लेज़र लाइट शो और कुछ कुछ बताया गया था, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। चलो, चिट्टी कौन है इधर देखो, तो ये कौन है? चिट्टी, अरे रोको भाई, अरे रोको, इधर चलना, चलो। यहाँ पे कुछ फाउंटेन सा दिख रहा है, बहुत ही किंग ऑफ 5 रिवर्स। अब अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन जैसा जितनी गर्मी है यहाँ पे, मन तो कर रहा है कि नहा लिया जाए, अभी अंदर जाके पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अभी हमने 2 मेजर शो किया है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 4-5 शो है जो कि मेन है, उसमें से 2 मेजर शो है। तो एक भांगड़ा शो हमने किया और उसमें तो हमने खुद भी इन्वॉल्व होकर डांस किया, तो काफ़ी अच्छा था वो।
अलावा दूसरा था 7D शो। तो 7D शो में रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया मैं क्योंकि अलाउड नहीं था, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था 7D शो का। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे लगी शायद इम्प्रूव हो सकती थी, पता नहीं, बट काफ़ी बढ़िया रहा पहला एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं बोलूँगा काफ़ी मज़ा आया और एक बार करना ज़रूर चाहिए। तो उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे गेम्स भी हैं जो खेल सकते हैं, और पर टिकट दो बार आपको खेलने मिलेगा, बट बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ राम जी तैयार हैं? ओह येलो में लगा है, देख सकते हैं 8 पॉइंट 9 पॉइंट। अरे अरे वाह वाह वाह। और अभी एक लेजर शो है शाम को, तो देखते हैं कैसा रहता है, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। बहुत लेट होने के कारण लेजर शो हम पूरा देख ही नहीं पाए। तो अभी बज रहे हैं 9:15 और गोविंदगढ़ फोर्ट में काफ़ी हलचल करने के बाद हम आए हैं दुर्गियाना मंदिर। काफ़ी शांत जगह है इसलिए हम यहाँ आए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और ये हमारे प्लान में भी था। जो दूसरा मंदिर था वो था लाल देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं, बेसिकली काफ़ी चलना होता है, काफ़ी मैं क्योंकि पहले आ चुका हूँ तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ आते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि गोविंदगढ़ में हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की और बहुत टाइम भी स्पेंड किया, तो काफ़ी थकान हो गई थी सबको, तो ये जगह थोड़ा सही लग रहा है। और यहाँ से अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर हम जाएंगे डिनर करने के लिए, और डिनर करके आज का तो हमारा प्लान यहीं पे है। तो आज के लिए इतना ही, चलो। तो जिसका डर था वही हुआ, बारिश हो गई। तो जनता अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट करके भी बता दो कि कैसा लगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो शेयर करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और करने के लिए। और आई नो कि बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट यार मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था इस कारण से थोड़ा डिले हो गया, और ये शूट भी मैंने अगस्त में किया था बट अब जाके डाल रहा हूँ इसी कारण से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा, और हाँ सबको हैप्पी न्यू ईयर, चलो बाय बाय। नहीं काटेगा, चलो नहीं काटेगा, मामा जी है ना, मामा जी भगा देंगे उसको, चलो चलो चलो। डर लग रहा है तुमको? डर लग रहा है। हाँ वो तो कितना ऊपर है, फिर तुमको क्यों डर लग रहा है? हमको शेर से डर लग रहा है।